सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एवरेज का पार्ट टू करेंगे। एवरेज का पार्ट वन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, इस पार्ट में हम टाइप टू के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इस तरीके को क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाता है। दोस्तों, एवरेज के काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज़ 27। पहले पांच नंबर का जो एवरेज है वो 27 है। इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हटा दिया जाता है द एवरेज बिकम्स 25। तो एवरेज 25 हो जाता है। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो एक्सक्लूडेड जो नंबर हटाया गया है वो क्या है। दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है हमारी, जो एक्सक्लूडेड नंबर है उसको कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला है ए प्लस एन प्लस माइनस वन इंटू डी। ये प्लस माइनस वन क्यों है, अगर नंबर जोड़ा गया है तो प्लस और अगर हटाया गया है तो माइनस। तो हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो नंबर इज इक्वल टू ए, ए यानी एवरेज। एवरेज क्या था हमारा, 27 था पहले। 27 प्लस एन, एन यानी नंबर, कितने नंबर थे हमारे, पांच नंबर थे और उसमें से एक नंबर को हटाया गया है, यानी एन माइनस फाइव माइनस वन इंटू डी, यानी डिफरेंस ऑफ एवरेज, कि एवरेज में कितना डिफरेंस आया है। तो कितना डिफरेंस आया, पहले 27 था, उसके बाद कितना हो गया, 25 हो गया। तो कितना डिफरेंस आया, दो का डिफरेंस आया। तो 27 प्लस फाइव माइनस वन फोर, फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट, 27 प्लस एट इज इक्वल टू 35। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 35। इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास विल बी 50 kg। यानी एक क्लास के 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या है, 50 kg। इफ़ द वेट ऑफ टीचर इज़ इंक्लूडेड, यानी टीचर का वेट भी उसमें जोड़ दिया गया है, तो एवरेज इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 kg। तो एवरेज 1 kg बढ़ जाता है। द वेट ऑफ टीचर इज़, तो सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ इसमें टीचर है और उसमें क्या था, नंबर था, उसमें हटाया गया था और इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, यानी नंबर, यहाँ पे टीचर्स का वेट है तो यहाँ पे वेट ऑफ टीचर्स लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू एवरेज प्लस एन प्लस वन इंटू डी। तो हमारा एवरेज क्या था हमारा, 50 kg प्लस एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 25 प्लस वन, वन इसका मतलब एक टीचर जोड़ा गया है तो वन, अगर दो जोड़े जाते हैं तो यहाँ पे टू हो जाता, प्लस वन इंटू डी, डी यानी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एवरेज, कितना डिफरेंस है, 1 kg, 1 kg बड़ा है, तो यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा, वन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 50 प्लस 25 प्लस वन 26 इंटू वन इज इक्वल टू 26। तो 50 प्लस 26 कितना आ जाएगा, 76 kg। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज 7 व्हेन थ्री न्यू नंबर्स आर इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ एट नंबर्स बिकम 8.5। यानी पांच नंबर का एवरेज कितना है, 7 है, अगर उसमें तीन नंबर्स और जोड़ दिए जाएं तो उनका एवरेज, जो आठ नंबर है उनका एवरेज कितना हो जाता है, 8.5। देन द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज, यानी जो तीन नंबर्स जोड़े हैं उनका एवरेज क्या है। तो इसमें कहा है कि एवरेज ऑफ एट नंबर्स इज 8.5, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये 68। और उसमें कहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर्स इज 7, यानी फाइव नंबर्स का एवरेज कितना है, 7, ये कितना आ जाएगा, 35।
तो जो अगर हम इस 8 में से 5 नंबर्स का टोटल वेट घटा देंगे तो 3 नंबर्स का टोटल वेट कितना आ जाएगा, 33। और अगर हम 3 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे तो उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 kg। तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे वो भी जल्दी से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।